लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बांग्लादेश लिबरेशन वार के 50 साल पूरे होने पर आज नई दिल्ली कांग्रेस ने एक विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया, जहां बांग्लादेश की आजादी में भारत और कांग्रेस नेताओं की भूमिका की फिल्म दिखाई गई। जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रिटायर्ड कैप्टन प्रवीण डावर, रिटायर्ड कर्नल सीजे रनाडे, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठौड़ और नासिर हुसैन खासतौर पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में भारतीय सेना और सरकार की भूमिका को लेकर कांग्रेस देश भर में कार्यक्रम चला रही है। बांग्लादेश लिबरेशन वार के 50 साल पूरे होने पर आज नई दिल्ली के कांग्रेस भवन में एक विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रिटायर्ड कैप्टन प्रवीण डावर, रिटायर्ड कर्नल सीजे रनाडे, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठौड़ समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली कांग्रेस जिलाध्यक्ष एडवोकेट अनिल कौशिक द्वारा किया गया था। इस अवसर पर कैप्टन प्रवीण डावर और जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि नई पीढ़ी को बांग्लादेश लिबरेशन वार तथा तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भूमिका की जानकारी मिले, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कार्यक्रम में इतना जोश है और अगर आप पीछे की जितनी भी एनिवर्सरीज वगैरह होती हैं आप देख लीजिए, हमारे कांग्रेस के भी 125 ईयर्स हुए थे, फिर गांधी जी के 150 ईयर्स हुए, इंदिरा जी का भी हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम करे थे, 100 ईयर्स के हुए थे। लेकिन ये जो प्रोग्राम इस बार चल रहे हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा जोश है, क्योंकि ये एक मिलिट्री रिलेटेड टॉपिक भी है ना, इसलिए यूथ में बहुत ज़्यादा जोश है। और जैसा मैंने बताया, 80% ऑफ द इंडियन वर बॉर्न आफ्टर 71, तो वो जानना चाहते थे हुआ क्या। और ये हमें पता होना चाहिए, ये पहली लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर के मुद्दे पे नहीं थी। 47-48 की लड़ाई कश्मीर का मुद्दा, 65 की लड़ाई कश्मीर का मुद्दा, लेकिन 71 पे कश्मीर का मुद्दा नहीं था, ये था बांग्लादेश का मुद्दा। तो इस मुद्दे के ऊपर ये लड़ाई हुई, उसके बाद भी फिर कश्मीर का मुद्दा आ गया। तो दिस इज़ दी ओनली वॉर विच हैड नथिंग टू डू विथ जम्मू एंड कश्मीर। प्रत्येक 20-30 वर्षामध्ये जे मागे घडला, नवीन पिढीला पुस्तकापेक्षा चित्रामार्फत असं कळवलं पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।